नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश राजभर और आप लोग देख रहे हैं मिथिलेश की रसोई यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चौलाई के डंठल की सब्जी बनाकर बताऊंगी। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। चौलाई के डंठल के छिलके इस तरीके से हम उतार लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे, एक एक इंच या डेढ़ डेढ़ इंच। देखिए हमने इसको तोड़ लिया है, अब हम इसको धो लेते हैं। अब हमने चौलाई के डंठल को धो लिया है, अब हम प्याज को कट कर लेते हैं और जो हरी मिर्ची हमने ले रखी है उसको भी इसी में कट कर देंगे और जो लहसुन हमने छिल के उतार कर रखे हैं सब इसमें मिला देंगे और सबको मिलाकर एक साथ भून लेंगे। ये अदरक है, इसको हमने थोड़ा सा घिस लिया है इसमें डालने के लिए। अब हम इसमें मसाला तैयार कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमने नमक डाल दिया, ये एक चम्मच मिक्स मसाला है जो सभी मसाले को हमने मिला कर रखा है। ये हल्दी है और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला देंगे। तो चलिए अब हम गैस जला लेते हैं और इस पे कढ़ाही रख देते हैं। अब कढ़ाही गर्म होने के बाद इसमें तेल डाल देते हैं और इसमें जो लहसुन प्याज और मिर्ची हमने रखा है इसको इसमें डाल लेते हैं और डालकर इसको अच्छे से ब्राउन होने तक भून लेते हैं। ये देखिए हमारे लहसुन प्याज भून चुका है। अब हम इसमें जो चौलाई का डंठल तोड़े हैं उसको इसमें डाल लेते हैं और उसको डालने के बाद इसको दो तीन मिनट तक भून लेते हैं मीडियम आंच पे। अब यह भून चुका है, अब हम इसमें मसाला डाल देते हैं और मसाला का पानी सूखने तक हम इसको भून लेते हैं। देखिए पानी सूख चुका है और कढ़ाई के तले तेल छोड़ने लगे हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। देखिए हमको करी नहीं चाहिए, बहुत कम चाहिए तो इसलिए मैं कम पानी डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको ढक कर रख देते हैं पकने के लिए, 10 से 15 मिनट पका लेते हैं। अब ये पक कर तैयार हो गई है, आप चाहें तो इसे उतार कर सर्व कर सकते हैं लेकिन मुझे इसे थोड़ा और सुखाना है। देखिए हमने 2 मिनट और सुखा लिया तो सूख गया अच्छे से। अब हम गैस बंद कर रहे हैं और इसको नीचे उतार लेते हैं और देखिए ठंडा होने के बाद ये कैसा हो गया है।